हेलो गाइस, तो अब हम रात भर के सफर करके हम कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे होटल ले लिया है हमने फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए। और अब हम नहा के निकलेंगे कन्याकुमारी घूमने के लिए। मम्मान पीछे से दीदी पर्दा हटा रही है, मम्मी सबके कपड़े तय लगा रही है कौन कौन सा कपड़ा कौन पहनेगा। पीछे से हम भी अपने कपड़े निकाल लेते कि आज हम क्या पहनेंगे। चलो भाई, लग रहा है मेरी बुराई हो रही है। सास और ननद मिलके ना मेरी बुराई कर रहे हैं। करना ही पड़ेगा ना, कभी 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 चलो कैसे सास इतने अच्छे सास ननद नहीं हो सकते ना, कैसे कैसे करना ही पड़ेगा, कभी कभी बदनाम हो जाना चाहिए। हाय कृष्णा। तो गाइस, यहाँ जिया जी 80 रुपये में को चश्मा खरीद लिए, हालांकि इनके पास था। और अभी हम लोग कपड़ा खरीदने आए हुए हैं। बार बार बोला था बोनी बोनी बोनी, इसलिए खरीद लिए। अब आइए आपको कपड़ा दिखाते हैं यहाँ। हाँ, पहले चप्पल खरीदना है। तो ये जिया जी ये पसंद कर रहे हैं। इसे कितना प्राइस है भैया ये चप्पल का? ये वाला 250। 250 तो ज़्यादा बोलती है इसमें। तो गाइस, अभी हम लोग आराम से कपड़ा वपड़ा खरीद के अब रह रहे हैं होटल की तरफ, ताकि हम लोग अब वहाँ से ड्रेस चेंज करके समुद्र की ओर जा सकें और नहा सकें सभी लोग। ऑलरेडी यह 10 बज चुका है, हम लोग लेट हो चुके हैं। हालाँकि हम लोग कन्याकुमारी घुस गए थे आपको 8 बजे ही, 2 घंटा से होटल लेके थोड़ा लेजीनेस के चक्कर हम लोग वो कर दिए। तो जिया जी, और चश्मा खरीदे तो आपको लगता है वो जो भीख मंगा लोग था उसको दिया होगा 20 रुपया? गिरोह को चाहिए तो वहाँ पर जिया जी को चश्मा खरीदने के लिए जबरदस्ती बोल दिया। बोनी का टाइम है, खरीद लिए। उधर से एक कोई मांगने आ गया तो उसको बोले 20 रुपया दे देना तुम, पता नहीं दिया होगा कि नहीं। जिया जी का तो यकीन है दे दिया होगा, और यकीन पे ही दुनिया कायम है। अब हम लोग अपने साइड से तो यही मान के चले हैं दे दिया है क्या। चलिए गाइस, अब रूम चलते हैं और फटाफट तैयार होकर समुंदर को चलते हैं और आपको दिखाते हैं समुंदर का नज़ारा। हेलो गाइस, तो हम बीच पे जाने के लिए तैयार हो गए। आज हम समुंदर में नहाएंगे और आज सब क्या डाले हैं, पीस ट्राइप क्लॉथ। मम्मी तो स्कर्ट और टॉप में है, मम्मी को हाफ शॉर्ट्स पहनना ही नहीं था। और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। आप लोग बताइएगा हम लोग कैसे लग रहे हैं कमेंट में। बॉयज का तो पता नहीं है बॉयज क्या पहन रहे अभी, लेकिन हम तो फुल मेकअप और कपड़े के साथ रेडी है। और हमारी दीदी भी रेडी है। हेलो। और ये हमारे छुटकू छुटकू से हाय कर दो। कहाँ जा रहे हैं हम कृष्णा गोविंद? पानी समुद्र। रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं समुंदर। आप बताइए मैं कैसे करूँ। ये हमारी फैमिली रेडी है, पापा जी फुल साउथ इंडियन स्टाइल में। और हमारे पति देव पता नहीं क्यों नहीं बुलाए, क्यों बुलाए थे? बुलाया नहीं है, गेट लगा रहे थे। हमेशा इनका मुंह सड़ा सड़ा सा रहता है, आपको देख के लग रहा है मुंह सड़ा हुआ है। हाँ, अभी आप लोगों को देख के ऐसे हंस रहे फाड़ पे, कुछ इंटरेस्ट नहीं। किसी ने मेरे को बताया भी नहीं आप में कैसी लग रही हो। कैसी लग रही है? हाँ ठीक है। ये देखिए, कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष, सब लोग ने नॉर्मल पहना हुआ है। एक पापा ही है जो कि ना यहाँ का लुक के हिसाब से पहने कपड़ा, पूरा वाइट गमछा, वाइट शर्ट, काला चश्मा लगा कर। पापा जी
इधर देखिएगा, ये देखिए जैसा देश वैसा भैंस वाला स्टाइल। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं समुंदर के ओर, गोविंद मेरे कंधा पर चढ़ गया है, ये लवली पूरा स्टाइल में। अपना टोपी तो पहनो यार, धूप से बचो यार। तो गाइस चलते हैं समुंदर के ओर, दिखाते हैं आपको बीच यहाँ का कैसा है। मंदिर तो आपको दिखा दिए हैं, और बताओ लवली कैसा लग रहा है कन्याकुमारी आकर? पानी से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मैं फिर भी एक्साइटेड हो रही हूँ। तो गाइस ये देखिए बीच कैसा दिख रहा है आपको, बताइए। यहाँ पूरा बहुत लोग नहा भी रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। हाँ 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 स्टोन टाइप का ही है। अरे हम जा रहे बीच पे नहाने, समुंदर में यार व्यू देखिए आप। तुम फर्स्ट टाइम बीच पे आई हो ना? हाँ फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है बीच का? बहुत मजा आ रहा है। भाई तुम भी फर्स्ट टाइम बीच पे आई हो ना? पानी के अंदर जाने का कैसा लग रहा है? तो ये दोनों का फर्स्ट टाइम बीच में है। मैं तो चेन्नई में रहा हूँ, तो मरीना बीच में हमेशा रहता था, तो फर्स्ट टाइम है। ये लोग एक्सपीरियंस एंजॉय कर रही है, और लहर भी बहुत तेज आ रहा है। यही है कि पत्थर है तो थोड़ा सावधान रहना होगा। और अभी हम लोग फटाफट नहाते हैं और मिलते हैं आपको नहा के। तब तक के लिए मिक्स है, तो इसीलिए दिक्कत हो रहा खाने में।
फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया जो प्योर मारवाड़ी ढाबा वेज रेस्टोरेंट है। देखिए गाइस हमें प्योर वेज खाना मिला, रोटी कढ़ी दाल आलू की सब्जी और कद्दू की सब्जी दही प्योर मारवाड़ी वेज खाना। हम खा के बाद में आपसे मिलते हैं। हम लंच करके आ गए हैं टेंपल घूमने और यहाँ टेंपल क्लोज हो चुका है शाम के टाइम, और 10 मिनट में खुलेगा 4 बजे। 4 बजने में भी 10-15 मिनट टाइम है, हम यहाँ लाइन में लगे हुए। काफ़ी लंबा लाइन है, पीछे भी मेरे टेंपल ओपन होता तो हम उधर जाते हैं और दर्शन करते हैं। आगे की कहानी आपको आगे दिखाते हैं। मंदिर के पास अलाउड नहीं था शूटिंग का, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए। और यहाँ आपको हम दिखाते हैं कन्याकुमारी, ये 2000 साल पुराना मंदिर है। आपको दिखाते इसके सराउंडिंग, ऐसे सरकम फैरेंस की तरह घूम रहे हैं हम लोग मंदिर के चारों तरफ। ये बहुत ही पुराना टेंपल है। बेसिकली बगल बगल मंदिर के किए हैं ताकि एक चक्कर आप मार सके मंदिर के। ये हिंदू का आस्था का बात है। फिर से हम लोग मंदिर के और आ गए। ये देखिए मंदिर 2000 साल पुराना टेम्पल। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। हाय गाइस, तो अब हम कन्याकुमारी टेम्पल से वापस आ चुके हैं, यहाँ का टूर खत्म। तो अब हमारा नेक्स्ट टूर है रामेश्वरम के लिए। रामेश्वर के, तो अब हम आपको दर्शन कराते हैं भोले बाबा का। शायद वो पत्थर भी है ना वहाँ पे। हाँ, राम सेतु बांध है वहाँ पर बोलते हैं। अभी तो मैं कभी गया नहीं हूँ, मगर जाके आपको दिखाते हैं कैसा क्या है। और ये ब्लॉग यहाँ ही एंड करते हैं, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग रामेश्वरम। हाँ, तब तक ना इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपना चैनल लवनी ब्लॉग को, और शेयर करें जितना हो सके। और आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।